हाय सम्यक, थैंक्स फॉर कमिंग और बहुत बहुत थैंक्स टाइम निकालने के लिए। सो अ क्विक बैकग्राउंड, वो ये कि सम्यक और मैं साथ में ही पढ़े क्लास 10 तक, और फिर 11 12 सम्यक बंसी क्लासेस में पढ़ा, और उसके बाद फिर उसने एक साल ड्रॉप लिया बंसी क्लासेस कोटा में, एंड नाउ ही इज इन IIT बॉम्बे केमिकल ब्रांच। राइट? या राइट, थैंक यू शर्मा फॉर द इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट इससे करते हैं कि इसे मोस्टली बच्चों को जो कॉमन एक क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपने तैयारी कैसी की, क्योंकि आपने 11 12 पढ़े, अच्छी कोचिंग में पढ़े, फिर साल ड्रॉप भी लिया, तो क्या आपकी तैयारी थी, किस तरीके से तैयारी करी, और मतलब 11 12 में क्या थी तैयारी, और ड्रॉप करते टाइम किस तरीके से किया था। चलो, तो मैं इस जर्नी को दो पार्ट में बताऊंगा, माय प्रिपरेशन इन 11 12th एंड व्हाट आई डिड डिफरेंट, कि मैंने क्लास 13 में क्या डिफरेंट किया। ठीक है, तो 11 12th में मैंने जस्ट कोचिंग में एंट्री ली, तो ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो जो कोचिंग वाले काम थे वो किया, एंड उसके बाद जो मटेरियल मिलता था वो कुछ रिकमेंडेड बुक्स मिलती थी हमें, वो बुक्स करी सॉल्व, और उसके बाद कुछ कुछ करते करते हमने PCM कंप्लीट कर दी। बट लुकिंग बैक आई फाउंड दैट कि बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने करी 11 12th में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस किया दूसरे से, कि आई वाज गुड इन मैथ बट एट द सेम टाइम मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, तो चीजें मेरी बैलेंस नहीं थी 11 12th में। मैंने नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ बुक्स ज्यादा करी बट क्वालिटी ऑफ बुक्स कम करी मैंने, एंड देन इन सेकंड पार्ट ऑफ माई जर्नी क्लास 13th आई गेव ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इक्वल वेटेज, तीनों को संग में पढ़ता था, तीनों में अच्छा स्कोर करना था, एंड आई फाउंड कि मतलब कुछ बुक्स है जिनको करो, ये नहीं कि तुम्हें जितनी दुनिया में सारी बुक्स है कि सारी बुक्स सॉल्व करनी है, जस्ट फाउंड द क्वालिटी बुक्स एंड जस्ट सॉल्व दोस बुक्स, और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अपना माइंड सेट क्लियर रखो, एंड आफ्टर दैट यू विल बी इन अ वेरी गुड स्पेस। ओके ओके, तो एक डाउट और ये होता है बहुत से बच्चों को कि तैयारी कब से कर देनी चाहिए शुरू, क्योंकि कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता, मतलब कि कुछ लोगों को 10th के बाद मालूम पड़ता है कि हाँ IIT कुछ होता है, तो वो 11th से पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को 12th क्लास तक नहीं पता होता, फिर वो एक साल ड्रॉप करते हैं तब तैयारी करते हैं, तो बच्चों को और पेरेंट्स को भी खासकर बहुत ही डाउट होता है कि उनको तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, लाइक क्लास 6 से ही कर देनी चाहिए या अगर 9th से भी करेंगे तो भी ठीक है, और क्या क्या अंतर आता है, मतलब क्या लगता है कि अगर क्लास 6 से शुरू करें तो वो बेटर है कि 9th से भी सफिशिएंट है या 11th से भी सफिशिएंट है। तो ओके, नाइस क्वेश्चन, ये डाउट मुझे भी था मतलब, और मैं इसको आंसर में जर्नी के साथ लेके चलूंगा। तो मेरी जो प्रिपरेशन चालू थी वो मेरी चालू हुई थी आई गेस क्लास 9th में, एंड इन क्लास 9 मतलब मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या पढ़ रहा हूँ IIT बस पढ़ रहा था, कुछ नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। देन इन क्लास 10 समझ में आया कि अच्छा IIT में ये होता है, एंड 11 12 में तो फिर तुम्हें पता ही चल जाएगा कि तुम IIT प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें 9th में तो पढ़ रहे होता है लेकिन तुम्हें पता नहीं होता कि तुम IIT प्रिपरेशन कर रहे हो। सो आंसरिंग द क्वेश्चन, आई थिंक द बेस्ट टाइम इज अगर आपको 10th के बोर्ड की चिंता नहीं है, मतलब हो जाएगा 10th का बोर्ड, तो आई थिंक क्लास 10th में ज्वाइन करना एक काफी सही टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो पता भी चल जाता है कि IIT प्रिपरेशन कैसी होती है, तो तुम्हें पता चल जाएगी तुम्हारे लायक है IIT, मतलब तुम्हें अच्छी लगती है प्रिपरेशन या नहीं अच्छी लगती, एंड अगर तुम 10th से प्रिपरेशन चालू करते हो तो यू विल गेट अ हेड स्टार्ट दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में, कि तुम 11th में पहुंचोगे तुम्हें थोड़ा आइडिया रहेगा बड़ा बड़ा कि अच्छा ये सब होता है, तो एक अच्छा हेड स्टार्ट रहेगा। बट आई थिंक इन प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 6 की काफी जल्दी हो जाता है क्लास 6, बिकॉज क्लास 6 में एक वो मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता उस टाइम तक कि IIT ये है वो है, अगर और तुम उस टाइम पे अगर प्रिपरेशन चालू भी करोगे IIT जेई की, आई फील की क्लास 6 में चालू भी करोगे तो यू विल एंड अप हेटिंग द सब्जेक्ट्स instead of loving them. So I think class 6 is too early and mere according class 10th is I think optimal, or class agar 10th ke baad 11 12th mein join kar rahe ho to it's not too late, and I've heard some student jo 12th ke baad bhi matlab chalu karte hain ek year drop leke jinhone board mein acha perform kar rakha tha wo bhi kar sakte hain, but I'll recommend ki class 10th complete hone ke baad to aap preparation chalu kar hi dein if you are planning for IIT JEE. Okay. और एक बहुत ही कॉमन जो डाउट जो मतलब बच्चे पूछते जनरली कि भैया आपने कितने घंटे की तैयारी, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में,
जो मोस्टली टॉपर जो सेम ब्लैक क्लासेस में होते हैं वो नहीं रिवील करते जनरली, वो झूठी बोलते हैं कि अरे मैं कहाँ इतना पढ़ता हूँ, वो जनरली ऐसे बोल देते हैं। तो सर तुम बताओ कि तुम कितना घंटे पढ़ते थे एक दिन में? वेल टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी मतलब घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ा। मेरे पास ऐसा था कि आज मुझे जैसे कोचिंग से आया तो कोचिंग में जो पढ़ाया है वो मुझे रिवाइज करना है, जो होमवर्क मिला वो करना है, एंड मुझे जिस पे डाउट हो रहा है उसी को कंप्लीट करना है। सो कभी कभी किसी किसी दिन तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम्हारा 2-3 घंटे में काम खत्म हो जा रहा है, एंड किसी किसी दिन टेस्ट से पहले तुम्हें 8 या 9 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं। बट नेवर स्टडी बाय द अमाउंट ऑफ आवर्स, क्योंकि तुम ऐसे नहीं पढ़ना चाहते हो कि तुम घड़ी देख रहे हो कि अच्छा अभी 15 मिनट और बची, थोड़ा और कर लेते हैं। I don't think that's the right way to study. I think the right way to study is to set your goals कि तुम्हें आज क्या करना है और तुम उन goals को complete करो। तो I think this is more systematic. This is something that worked for me and I always recommend as a student कि तुम एक goal लेके पढ़ो और take an average कि दिन में मुझे ऐसा goal लो कि मुझे दिन में 3-4 घंटे 4-5 घंटे हो जाए। What if हर एक for example हर एक student की लर्निंग पेस अलग अलग होती है कि कोई बच्चा 2 घंटे में काम करता है, किसी को 4 घंटे भी लग सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सोचो कि आप लर्निंग पेस कितनी है, उसी हिसाब से अपने गोल्स को प्लान करो कि मुझे कितना पढ़ना है, एंड दैट्स ऑल आई थिंक। सही, बिल्कुल सही। इसी से हल्का सा सिमिलर एक डाउट ये होता है, सिमिलर है ऑलमोस्ट, वो ये कि मतलब कि टाइम टेबल बना के उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है टाइम टेबल मैंने कभी नहीं बनाया। मेरा ये था कि जब मतलब मन किया पढ़ लिया, नहीं मन किया तो चिल कर रहे हैं। तो तुम्हारा क्या सीन था, टाइम टेबल फॉलो करते थे या नहीं, या करना चाहिए या नहीं? सेम, मैंने अपनी लाइफ में करीबन 10-12 बार टाइम टेबल बनाया होगा एंड आई एम हियर, एक बार भी फॉलो नहीं किया उस टाइम टेबल को। तो भाई टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मैं इतना सिस्टमेटिक हूँ, लेकिन अगर कोई इतना सिस्टमेटिक है ही मे ट्राई, बट आई वोंट से कि टाइम टेबल फॉलो करो। मतलब तुम्हारे पास दिन में तुम्हारे पास लेट्स से 10 घंटे हैं, तो तुम्हें तुम्हारे पास गोल्स है, तुम उन गोल को कंप्लीट करो। बीच में तुम्हें कुछ टाइम मिला है तो कुछ एक्टिविटीज जैसे यू वॉन्ट टू जस्ट ग्रैब योर फोन और डू समथिंग, और कुछ भी तुम्हें करना है जैसे कुछ आउटडोर खेलने चले गए, तो अपने गोल्स को फिक्स रखो। ये नहीं कि तुम इतने एकदम हार्ड एंड फास्ट कर रहे हो कि मुझे इतने यहाँ इतने से इतने घंटे पढ़ना है तो 15 मिनट का ब्रेक, दैट थिंग्स जनरली डोंट वर्क। फॉर एग्जांपल अगर तुम 1 घंटे पढ़ने बैठे हो और तुम्हारे आधे घंटे के बाद ही मन नहीं करना पढ़ने का, तो तुम क्या करोगे? इफ यू पुश अनदर हाफ एन आवर देन यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। तो वही, अभी तुम्हारे पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो, अभी कुछ और काम करने का मन कर रहा है वो काम करो, डोंट स्टिक टू टाइम टेबल। जस्ट तुम्हें बड़ा बड़ा प्लान होना चाहिए कि तुम्हें ये काम करना है आज, दैट्स ऑल। ओके कूल। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ, वो मेरे साथ भी हुई थी, ऑलमोस्ट सबके साथ ही होती है स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइन करते हैं कोचिंग, वो ये कि अलग अलग कोचिंग्स में अलग अलग टीचर्स जो हैं वो अलग अलग बुक्स के बारे में बोलते हैं कि कुछ टीचर्स बोलते हैं कि आपको फिजिक्स में एचसी वर्मा करनी चाहिए, कोई बोलता है कि डीसी पांडे करो, कोई बोलता है कि अलग अलग और भी जो बुक्स हैं। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सी बुक्स बेटर रहेंगी, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है, लाइक बंसीलास में आगरा में भी पढ़ा है और कोटा में भी पढ़ा है, तो कौन सी बुक्स रिकमेंड करोगे जो तुमने पढ़ी और क्या रिकमेंड करते हो बुक्स के लिए? राइट, सो आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स टू स्टडी फ्रॉम, एंड स्टूडेंट ऑफन गेट कंफ्यूज्ड व्हिच बुक्स टू पिक। तो ऐसा नहीं कोई बुक अच्छी होती कोई बुक खराब होती, हर एक बुक में कुछ ना कुछ अच्छा होता है कुछ ना कुछ खराब होता है। बट मैं एक तो अपने यहाँ पे शेयर करूंगा मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी, और मैं एक आइडिया दूंगा, जैसे कोई भी तुम चैप्टर कर रहे हो तो डोंट रन आफ्टर 10 or 11-12 बुक। जस्ट देखो जब भी तुम बुक को ट्राई करोगे तुम्हें पता चल जाएगा बुक मेरे टाइप की है या नहीं है। तो अगर तुम्हें जो लग रहा है जो बुक तुम्हारे टाइप की है तुम वो बुक को फॉलो करो। और मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी बुक अभी काफी इंपॉर्टेंट होती है और काफी जरूरी होती है, ठीक है? जैसे कि मैथ्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हें कोचिंग से मटेरियल मिलता है, जो अच्छी कोचिंग का मटेरियल होता है, फॉर एग्जाम्पल एलन बंसल रेजोनेंस, कोई ना कोई कोचिंग का एक जो होता है ना पैकेज वो लेके रखो, उसमें काफी अच्छे सवाल होते हैं। So buy one of them. तो एक तो मैथ्स के लिए वो करो, मतलब ये तो तीनों के लिए करो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑल्सो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक और डाउट है कि कौन सी कोचिंग का मटेरियल ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे एलिन है, बंसल है, रेजोनेंस है, वाइब्रेंट है, तो किसका रिकमेंड करोगे? वेल मैंने पर्सनली रेजोनेंस का थोड़ा देखा है और बंसल का देखा है, एंड बोथ आर सिमिलर इन टू मच एस्पेक्ट। तो मेरे हिसाब से बंसल का काफी अच्छा है स्टडी मटेरियल, एंड किसी का भी ले लो, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी का भी ले लो, चाहे बंसल लो, एलन लो, रेजोनेंस लो, हर एक कोचिंग का मटेरियल बढ़िया होता है और हर एक का ये होता है सिमिलर होता है। ये नहीं कि किसी का
अलग होता है, हर एक का मटेरियल सिमिलर ही होता है, फॉलो एनी ऑफ देम, हर एक मटेरियल अच्छा है, ठीक है। और डोंट मतलब कोई किसी लोकल कोचिंग के मटेरियल के पीछे मत जाना, कोई भी ऐसे ब्रांड है जैसे बंसल, एलएन 50, इनका किसी का भी मटेरियल ले लो और उसे सॉल्व कर लो, ऐसे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मूविंग ऑनवर्ड्स ऑन टू द बुक्स, तो मैथ्स में हमारा कोचिंग मटेरियल हो गया, देन उसके बाद कुछ जैसे पर्टिकुलर चैप्टर ग्रुप होती है, आई प्रीलेप को होती है, लॉगरिथम एंड क्वाड्रेटिक आईएएस और ट्रिग्नोमेट्री एंड सबकी थोड़ी थोड़ी बुक होती है, वो मैंने फॉलो करी थी, ठीक है। अरियन पब्लिकेशंस की बुक मिलती है, ठीक है। और जैसे मैंने 11th 12th में एक और मिस्टेक करी थी, मैंने ना इतनी मोटी मोटी टिम मैकग्रो हिल की बुक आती है उसमें इतने सारे सवाल होते हैं वो किए हैं, तो क्या हुआ उससे मेरे कुछ एक दो चैप्टर तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन उन एक दो चैप्टर करने की वजह से, इतने सारे सवाल करने की वजह से बस टाइम ही नहीं बचता था, तो उसकी वजह से बहुत सारे चैप्टर कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो नो योर लिमिट, तुम कितना सामान कर सकते हो और उतनी मोटी ही किताब लो, मतलब एक्स्ट्रा किताबों के पीछे मत भागो जब तक कि तुम्हारे पास जो मटेरियल है वो जब तक कंप्लीट ना हो, ठीक है। अच्छा, मैथ्स के बाद हम फिजिक्स पे आते हैं, तो फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एच सी वर्मा गॉड बुक, मैं तो उसे रिकमेंड करूंगा ही, मतलब कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट सी करने के लिए काफी अच्छी किताब है। और मैंने जैसे कि मुझे थ्योरेटिकल पोर्शन में डाउट होता था मैकेनिक्स पर कुछ सब्जेक्टों में, तो हेलिटे रेस्निक नाम की किताब है, तो आई यूज रूज टू रीड दैट बुक फॉर कंसेप्चुअल पार्ट। और उसके अलावा कोचिंग मटेरियल तो करना ही है आपको। एंड केमिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एंड द मोस्ट अंडररेटेड बुक इन केमिस्ट्री इज एनसीईआरटी। इफ यू लुक अप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यू विल फाइंड कि मतलब 80-90% जो होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है टू एंड फ्रो। तो एनसीईआरटी गॉड बुक फॉर केमिस्ट्री, डू एनसीईआरटी बहुत इज्जत से। और उसके बाद एनसीईआरटी के अलावा आपके कोचिंग मटेरियल की किताबें है वो करनी है। और फिर कुछ बच्चे बहुत सारी किताबें होती है साइड पर उनके पीछे जाते हैं, बट सी इफ अगर कोई बुक उनमें अच्छी लग रही है तो तुम करो, बट मैंने तो कोई और बुक नहीं करी थी उसके लिए, मतलब इन दोनों से और थोड़े कंसेप्चुअल इधर उधर देखने से हो जाता है काम। मतलब बेसिकली ये कि अगर कोई अच्छा मटेरियल है मतलब कोचिंग का तो वो भी मतलब ठीक है, सफिशिएंट है, और कोई साथ में बुक्स करने की तो ज्यादा नीड है नहीं, मतलब ये है इन शॉर्ट। वही वही, मतलब कि कुछ बच्चों देखा कि क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, मतलब ऐसे कोचिंग में से डिस्कस करते हैं, मैंने पता है 5 किताबें लगाई है, तूने कितनी लगाई, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने एक किताब भी अच्छी से लगाई है ना, इस कॉन्सेप्ट रियली बेटर देन जिसने 5 किताबें थोड़ी थोड़ी लगाई है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ एक चीज अच्छे से करो, नंबर ऑफ चीज के पीछे मत भागो। सही है। और एक और चीज होती है जो हम लोग मिस करते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं तैयारी करना, वो ये होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि मतलब कि ठीक है हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पर साथ में और भी कॉम्पिटिशन होते हैं 11th 12th में, जैसे कि केवीपीवाई होता है, ओलंपियाड्स होते हैं, तो वह हमें मतलब पता ही नहीं होते कि ये भी हम दे सकते हैं 11th 12th में साथ में करते करते। तो थोड़ा इनके बारे में बताओ कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन बच्चे दे सकते हैं और तैयारी कैसे शुरू कर देनी चाहिए। वेल कॉम्पिटिशन की तो मतलब ऐसा था, मैंने दिए थे कॉम्पिटिशन एंड मतलब आई आई टी जे की तैयारी कर रहा था, तुम उनके साथ दे सकते हो, इनके अलग से बुक आते हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट अनलेस एंड अंटिल कि तुम्हें ओलंपियाड निकालना ही निकालना है, तो मतलब आई वॉन्ट रिकमेंड कि तुम उस, अगर तुम्हारा है ये मन कि तुम्हें ओलंपियाड निकालना ही निकालना है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन आई आई टी जे, देन उसकी किताबें करो, बट तुम मतलब सिलेबस जो होता है कॉमन होता है, तुम आई आई टी जे प्रिपरेशन करते करते उस पेपर को दे सकते हो, ठीक है। देयर आर मेनी कॉम्पिटिशन सच एज ओलंपियाड होता है, केवीपीवाई होता है, और आई डोंट रिमेम्बर, तुम नेट पे देखोगे तो काफी कॉम्पिटिशन आ जाएंगे, ठीक है। ये तो कॉम्पिटिशन हुआ जस्ट फॉर लर्निंग और जस्ट फॉर मतलब देना है हमें कॉम्पिटिशन। अगर हम इसके अलावा वो कॉम्पिटिशन की बात करें इससे हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो कुछ बच्चे होते कि देते हैं आई आई टी जेई में जाना है, आई आई टी नहीं मिला तो फिर कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज काफी सारे कॉलेजेस के ऐसे पेपर होते हैं एट अ टाइम नियर आई आई टी जेई, फॉर एग्जाम्पल बिट्स प्लानिंग का पेपर होता है, एक उत्तर प्रदेश में यूपीटीयू का पेपर होता है, एक बीआईटी कॉलेज उसका पेपर होता है, सम कॉलेजेस सच एज ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड सच कॉलेजेस आल्सो हैव देयर सेपरेट पेपर्स। सो हमेशा सर्च करते रहो कौन से कॉलेज में पेपर हो रहा है, और जो कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेज के पेपर है उनको दे रहे हो, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान बी इन योर माइंड। राइट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि तुमने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी जो तुम बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो ना करें। ओके ओके ओके। हाँ, तो जैसा कि मैं बताया था, मैंने काफी मिस्टेक थे 11th 12th के टाइम पे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पहली मिस्टेक ये कि मैं तीनों सब्जेक्टों को इक्वल प्रेफरेंस नहीं देता, इक्वल इज्जत नहीं देता तीनों सब्जेक्टों को।
फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गुड एट मैथ, आई लाइक टू डू मैथ, मेरे मैथ्स में 120 में 110 नंबर आते थे, बट एट द सेम टाइम मुझे फिजिक्स पसंद नहीं थी और 120 में 30 नंबर आते मेरे फिजिक्स में। तो अगर तुम किसी सब्जेक्ट को, तीनों सब्जेक्टों को अगर प्रेफरेंस नहीं दोगे तो तुम नहीं निकाल सकते आई टी, मतलब बहुत ध्यान से सुन लो, तुम्हें तीनों सब्जेक्टों में स्कोर करना पड़ेगा। ये होता है कि एक में थोड़ा ज्यादा आ रहा है, दूसरे में थोड़ा कम आ रहा है, ये चलता है, लेकिन ये नहीं कि एक में बहुत ज्यादा आ रहा है एक में बहुत कम आ रहा है, दैट नेवर हैपेंस। तो तीनों सब्जेक्ट को इक्वल क्या कहते हैं दो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, बच्चे ना टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते। मान लो पूरी 11th खत्म हो गई एंड क्लास 12th में आते हैं और 12th पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन वो कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखते 11th में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो फिर एट दैट टाइम क्या होता है बाद में कि उन्हें फिर 11th का रिवाइज करते करते ही सदियों बीत जाती है और फिर वो 12th पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन ये कि टाइम टू टाइम टेस्ट देते रहो, जैसे पूरा सिलेबस आता रहे जाता तुमने पढ़ा है, इससे क्या होगा तुम टाइम टू टाइम रिवाइज भी करोगे पीछे की चीजें, और अगर तुम रिवाइज करोगे तो मतलब वो तुम्हारे आगे की चीजों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कंसेप्ट काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं स्पेशली इन फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट। और तीसरी चीज मैंने देखी कि आज काफी नेगेटिव कंपटीशन चल रहा है, मतलब क्या होता है कि एक दो टेस्ट पर बच्चों नंबर नहीं आते हम डिप्रेस हो जाते कि अब मेरा क्या होगा, मेरा आईआईटी के तीन कैसे निकलेगा भैया। तो ऐसा नहीं है, मतलब जब भी तुम्हारा खराब स्कोर आ रहा है टेक इट एज अ मोटिवेशन टू वर्क हार्डर इंस्टेड ऑफ डिमोटिवेटिंग कि मेरे से नहीं होगा, एंड बिल्ड अ हेल्थी कॉम्पिटिशन कि उसके ज्यादा नंबर आए तो मुझे और मेहनत करके ज्यादा नंबर लाने अपने, ठीक है। एंड फाइनल थिंग इज दैट कि मतलब बच्चे ना जैसे कोचिंग से आए और जो मन में आया वो पढ़ने लगते, मतलब कि ये किताब पढ़ लो फालतू फलाना टिपका, तो ऐसे मत करो। कोचिंग से आ रहे हो जो पढ़ाया है उसको पहले रिवाइज करो, क्योंकि क्या होता है जो तुम्हें पढ़ा रखा है वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, और अगर तुम उसे कभी रिवाइज ही नहीं करोगे एक बार घर पे आते तो वो तुम्हारे मतलब मेमोरी में एम्बेड ही नहीं होगी वो चीज। तो जो घर पे आओ उस चीज पे रिवाइज करो, इससे कि वो तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में जाए, एंड उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो फ्रॉम एस्टीम्ड रिसोर्सेज, एंड अगर तुम ये सब करते हो तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट सम गुड मार्क्स। ओके, एक चलो अभी ये सब तो हो गया कि किस तरीके से हमें करनी चाहिए तैयारी। क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारा निकल गया, तुम्हारी रैंक आती है, कई बार रैंक ऐसी आती है कि तुमको एक बार चूज करना पड़ता है कि हम कॉलेज चूज करें या फिर ब्रांच चूज करें, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो मैंने बताया अब इस पिछले कुछ इयर्स में मैंने ट्रेंड नोटिस किया है स्टूडेंट्स के, पहले क्या होता था कुछ 4-5 साल पहले स्टूडेंट्स ना कॉलेज को प्रेफरेंस देते थे, लेकिन अगर तुम ट्रेंड देखो पिछले 2-3 सालों में स्टूडेंट ना ब्रांच ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं, और रीजन सिंपल है क्योंकि क्या हो रहा है आजकल जो आईटी सेक्टर बूम हो रहा है तो स्टूडेंट्स आर टेकिंग की अब ब्रांच चाहिए हमें जिससे कि हम आईटी सेक्टर में जा पाए। तो इसे दोनों साइड से यस बी और नो बी, क्यों? क्योंकि If you are going into IT sector, doesn't require you to be from a CS branch or electrical branch. If you are from, say, chemical branch, तुम फिर भी उसके लिए preparation कर सकते हो, तुम फिर भी coding सीख सकते हो, तुम फिर भी उस sector में जा सकते हो। तो I'll say, get a balanced college with a balanced branch. ये नहीं कि मतलब तुमने branch बहुत अच्छी ले ली, मतलब branch कह रहा हूँ, branch बहुत अच्छी ले ली college, मतलब ऐसी IT जो कि अभी 2-3 साल पहले बनी है, don't do this. ऐसा college जो कि मतलब हाँ एस्टीम कॉलेज है, टॉप 5-10 कॉलेज में आता है, एंड उसमें से डिसेंट ब्रांच लेने की कोशिश करो। मतलब अगर तुम इसको बात से समझोगे तो मैं ये बोलूँ कि दोनों चीज़ बैलेंस रखो, किसी एक को भी ज़्यादा प्रेफरेंस मत दो। जैसे कि मेरा इसमें व्यू ये है कि अगर तुम्हें किसी ब्रांच में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली वो ब्रांच लो, और रैंक उसमें क्या करो कि उस ब्रांच का जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो ले लो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है तो आई रिकमेंड, और अगर तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है कि और कुछ नहीं करना, मैं किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बस मेरे को जॉब मिल जाए, पैसा मिल जाए, मैंने इसलिए आईआईटी की तैयारी की थी, तो ऐसे में जो बेस्ट केस मेरे को लगता है वो ये है कि आईटी या सीएस ब्रांच किसी में भी अगर तुम ले लोगे, एवरेज कॉलेज में भी अगर मिल रहा है तो वो ठीक है। मतलब क्योंकि आजकल जो आईटी इंडस्ट्री में बहुत स्पीड से बूम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा, और जो पैसा भी है वो आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाकी ब्रांचेस का मैं देख रहा हूँ उनमें प्लेसमेंट अभी भी तुम भले ही आईआईटी में भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आईआईटी बॉम्बे का एक केमिकल ब्रांच का भी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मतलब केमिकल ब्रांच से प्लेसमेंट कितने ही हो रहे होंगे, केमिकली कंपनीज में कम हो रहे होंगे, वहाँ से भी मोस्टली जो है वो आईटी इंडस्ट्री में ही हो रहे हैं। और दिक्कत क्या होती है कि तुमने केमिकल या कोई और ब्रांच ले ली, तो अगर तुमने कोई और ब्रांच ले ली तो उनको आईटी का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो घूम फिर के अगर तुमको आईटी इंडस्ट्री में ही जाना है
तो आईटी ब्रांच ही लो, मतलब सीएस आईटी ब्रांच ही लो, मतलब ये मेरी प्रेफरेंस है, बाकी डिपेंड करता है अलग अलग लोगों के हिसाब से, वो वैसा है। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि वन मोर थिंग आई वांट टू से कि जैसे कि तुम्हें लग रहा है कि तो केमिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है तो मैं केमिकल ब्रांच ले लेता हूँ, भैया ऐसे नहीं होता। केमिस्ट्री और केमिकल ब्रांच ना बहुत अलग है एकदम। तो जब भी तुम्हें कोई ब्रांच लेनी है उस पर एक बार रिसर्च कर लेना जाने से पहले कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या सर्कुलर है, और उसके बाद तुम ट्राई करना, ठीक है? क्योंकि बहुत से बच्चे ना ऐसे कंफ्यूजन आते हैं, मेरी वो अच्छी है केमिस्ट्री तो केमिकल ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, नहीं नहीं एक बार उसमें रिसर्च करना है। एंड जो शर्मा ने कहा, अनुज शर्मा ने कहा बिल्कुल सही बोला कि मतलब आज तो आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, सो ट्राई टू, इफ यू आर मार को इंटरेस्ट नहीं, ट्राई टू गेट इनटू द ब्रांच जैसे इलेक्ट्रिकल एंड सीएस। और एक बार मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे बताया कि अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो केमिकल ब्रांच नहीं लेनी है। ऐसी एक एग्जांपल मेरा फ्रेंड है, उसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, उसने बायोटेक ले ली बीटेक में। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप या जहाँ भी तुमको अगर सीनियर मिलता है जो किसी आईआईटी में या कहीं पर है किसी ब्रांच में, तो उनसे करो डिस्कस कि भैया किस तरीके से वहाँ पे ब्रांच में क्या काम होता है, तो तब तुमको क्लियर होगा कि ये वो ब्रांच लेनी है कि नहीं लेनी है ना। तो तुम घर कर सकते हो उस हिसाब से। और इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि बैलेंस रखना है बिल्कुल, बट अगर ज़्यादा हो तो प्रायोरिटी ब्रांच को ही देना, बट बैलेंस भी ज़रूरी है, राइट? और अब थोड़ा सा फन क्वेश्चन पे आते हैं कि सम्यक आईटी बॉम्बे में लाइफ कैसी है, मतलब आईटी बॉम्बे जब पहुंचे तो पहले पहले दिन कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस? मतलब काफी ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, काफी मस्त लाइफ है। मतलब तुम सोच रहे हो तीन साल से कि मुझे आईटी जाना है, आईटी जाना है, और तुम फाइनली तीन साल बाद, दो साल बाद, तीन साल कभी भी तुम कॉलेज में घुसते हो तो इट्स अ वेरी मतलब हेवनली फील कि तुम जिसके लिए वर्क कर रहे थे, इसलिए मेहनत कर रहे थे, तुम वहाँ पे आ चुके हो। और अगर तुम और जनरल लाइफ के बारे में बात करो तो तुम पता है हॉस्टल लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब क्या कहते हैं, बढ़िया चीज जो तुम फील करोगे अपनी लाइफ में, मतलब काफी अच्छा होता है वो एक्सपीरियंस, नाइट आउट, सब कुछ। और जो वहाँ पे तुम्हारे साथ पीयर्स होते, तुम्हारे फ्रेंड्स होते कॉलेज में, दे आर वेरी हेल्पफुल और काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड ओवरऑल मतलब अगर तुम कॉलेज में आ जाते हो, किसी भी कॉलेज में आते हो, तुम्हारी लाइफ तो अच्छी होती है। एंड अगर तुम जिस कॉलेज के लिए वर्क कर रहे हो और उसमें एडमिशन करते हो तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, एंड यू विल गेट सम फोर गुड इयर्स ऑफ कॉलेज, और फिर उसके बाद प्लेसमेंट भी अच्छा होता रही है। एक और बच्चे के बाद पूछते हैं कि भैया आपने आई आई टी बॉम्बे ही क्यों लिया, ऐसे कि आपकी 902 रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक, तो व्हाई डिड यू चूज ओनली आई आई टी बॉम्बे? तो मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस थे, जैसे कि मुझे सीएस ब्रांच मिल जाती इंदौर में, बाकी और कॉलेज में कुछ ब्रांच मिल जाती, लेकिन मेरा कहता कि मुझे कॉलेज और ब्रांच दोनों चाहिए थे। तो जैसे कि अब बात करें कॉलेज की, तो मुझे ये आईटी वाली ब्रांच थी, आईटी वाली ब्रांच वो काफ़ी अच्छी थी, अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रही थी। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए मैंने देखा कि ब्रांच कौन सी अच्छी, तो एट दैट टाइम केमिकल ब्रांच वॉज गुड, मतलब जो प्रोडक्शन है थ्रू केमिकल ब्रांच वॉज डिसेंट। तो एक तो वो फैक्टर था, और आईआईटी बॉम्बे, द टैग ऑफ आईआईटी बॉम्बे मतलब इंडिया का नंबर वन कॉलेज है, तो द टैग वाज आल्सो हेल्पफुल कि मतलब मुझे जैसे आईआईटी का कुछ और भी करना है तो एक टैग की जरूरत पड़ती है, तो वो टैग आईआईटी बॉम्बे मुझे प्रोवाइड कर रही थी। तो अगर दोनों चीजें हम देखें तो आई फाउंड दैट की मतलब आईआईटी बॉम्बे वाज अ गुड चॉइस। और एक आजकल के बच्चों में डाउट ये आ रहा है कि कुछ तो बोलते भी हैं कि अब आईआईटी का टैग उतना वर्थ नहीं है, पहले जो क्रेज था आईआईटी का, क्योंकि उस टाइम पे आईआईटीज कम भी थी, अब उतना नहीं। आजकल जिसको देखो वो आईटी में पहुंच रहा है, और मतलब और मतलब आजकल जो प्लेसमेंट भी है वो इतना कुछ खास यूनिक नहीं रहेगा, मतलब आईआईटीज का जो अंदर नॉर्मल लोकल कॉलेजेस हैं वहाँ भी देख रहे हैं कि कुछ बच्चों के अच्छे वहाँ से भी प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्या आज के टाइम पे आईआईटी का टैग रियली वर्थ इट है या नहीं? इफ यू आस्क अबाउट टैग अबाउट आईआईटी, यस इट्स हेल्पफुल, इट्स वर्थ इट, बट हां एक क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस या फिर उसकी क्या कहते हैं कि जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हुई है ओवर सम इयर्स, बट फिर भी वो है। क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम ये देखो कि बीटेक कितने बच्चे कर रहे हैं इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ वन ईयर, लाखों होंगे, ठीक है? तो उन लाखों में से तुम अपने आप को अलग कैसे दिखाओगे? तो या तो तुम किसी नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो, किसी एवरेज कॉलेज में जा रहे हो, और तुम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीज सीख रहे हो, तो तुम या तो ऐसे शाइन कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड वे टू शाइन इज कि गेट इनटू सम गुड कॉलेज लाइक आईआईटी, वहाँ पे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी लेकिन तुम्हारे पास आईआईटी का टैग है तो तुम्हें उस बच्चे जितनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जो किसी एवरेज कॉलेज में है।
समझ रहे हो बात को? तो मतलब तुम अगर आईटीआई पहुंचे, तुम्हें एक हेड स्टार्ट मिल रहा है, जिससे कि तुम अगर किसी लेवल पे तुम्हें जाना है, तुम्हारे पास एक हेड स्टार्ट है, और तुम अगर वहां पे पढ़ते हो ठीक ठाक से भी, तो तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी। और अगर तुम किसी ऐसे कॉलेज में बात करो एवरेज कॉलेज की, तो तुम्हें उस वहां पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू लैंड दैट सेम जॉब। सही बात है। और इसका एंड इफ यू आर मतलब तुम अच्छी तरीके से काफी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूं, और तुम वहां पे आईटी काफी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है, मतलब तुम बहुत अच्छी कॉलेज में, मतलब फॉरेन बहुत अच्छे कॉलेज में रिसर्च के लिए आगे जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह पे इंटर्नशिप कर सकते हो, तो ब्राउनी पॉइंट्स तो हमेशा होते ही हैं आईटी टेक के। राइट राइट। और एक बात और होती है, जब प्लेसमेंट के जब हम बैठते हैं, तो अगर तुम्हारे पास आईआईटी का या किसी अच्छे कॉलेज का टैग है, वो ये प्रूव करता है कि तुम हमेशा से एक मतलब अच्छे स्टूडेंट रहे हो, मतलब तुमने मेहनत की है स्टार्टिंग से ही, तो एक तरीके से एक प्लस पॉइंट होता है ये है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है जो है एक आईआईटी के टैग की, वो ये है कि तुम्हारे आसपास के सारे लोग, जो बच्चे तुम्हारे जो साथ में होते हैं फ्रेंड्स, वो सब अच्छे लेवल के होते हैं। तो लोकल कॉलेज में देखोगे वो उतने अच्छे मतलब नहीं होते हैं, तुम्हारे जो फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारे बैच के लोग होंगे, जो तुम अगर आईआईटी के किसी में पहुंचोगे, तुमको वहाँ पे एक से एक बढ़िया दोस्त मिलेंगे बनाने के लिए, जो एक से एक अच्छे लेवल के होंगे, तो वो तुमको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अब तुम्हारे अगर आसपास के लोग ही अच्छे नहीं है, मतलब पढ़ने वाले नहीं है, तो तुम फिर कैसे मतलब पढ़ोगे, वो थोड़ा दिक्कत ही होती है। ये भी एक पॉइंट है भाई भाई भाई, जो तुम्हारे जो दोस्त है काफी हेल्पफुल होते हैं, मतलब तुम्हें कंपटीशन मिलता है, जैसे तुम किसी भी एवरेज पढ़ने जाओगे तो बच्चे कुछ कर ही नहीं रहते, तुम्हें लगेगा तुम्हें भी क्या करना, और तुम आईटी जैसे किसी कॉलेज में आते, तुम्हें दिखेगा कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं कुछ सीखने के लिए, तो तुम भी संग में सीखोगे उस चीज को। और भाई हाँ, और तुम्हारे पास मतलब सीनियर्स भी होते हैं गाइड करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द तुम आईआईटी में देखोगे तो सीनियर्स बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब कि क्लास मतलब सेकंड थर्ड ईयर में ही कहीं ना कहीं कंपनी में काम कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो सीनियर का गाइडेंस भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है अच्छे कॉलेज में। तो दैट्स फॉर दिस और एक लास्ट क्वेश्चन अब ये कि समय एक आखिरी कुछ टिप्स जो देना चाहोगे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। तो टिप्स में मैं ये कहूंगा, पहली चीज तो मतलब कि एक स्मार्ट वर्क नाम की चीज होती है, तो ऑफन बच्चे ना उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं 8 घंटे पढ़ूंगा दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा, सोऊंगा सिर्फ 4 घंटे, पढ़ता रहूंगा और नंबर ले आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। तुम्हें लाइफ में तुम सीखोगे कि तुम्हें हर एक चीज को ना बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। जैसे पहली चीज की 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट करो, इफ यू आरंट गेटिंग इनफ स्लीप तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और सेकंड डू स्मार्ट वर्क, मतलब तुम्हारी चीज ना प्लान होनी चाहिए कि अच्छा मुझे ये करना है, वो इस टाइम पे ये कर लूंगा, रिवाइज रिविजन करना है मैं ये कर लूंगा, तो वही स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क भी संख्या जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे पहले बताया था मैंने क्या गलतियां करी थी, जैसे उस क्वेश्चन बताया मैंने, तो वो गलतियां मत दोहराओ, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दो, इक्वल इज्जत दो, एंड आफ्टर दैट मतलब कि टेस्ट पेपर सॉल्व करो, जैसे कि पेपर तुम्हारा आईटी का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, और मतलब जितने टेस्ट पेपर हो गए ना तुम यूज टू हो जाओ उस एनवायरमेंट के साथ कि टेस्ट कैसे दिया जाता है, और एक तुम्हारा एक अटेम्प्ट पैटर्न होना चाहिए जब भी टेस्ट हो, यानी कि आज केमिस्ट्री ऑन कर देते हैं, आज पेपर में केमिस्ट्री कर देते हैं, आज मैथ का मन कर रहा है मैथ कर देते हैं, नहीं, हमें एक पैटर्न बनाओ जिसपे कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है जो। और संगीत पढ़ाई के साथ साथ एक थोड़ी मतलब अगर मैं कहूँगा एक्सरसाइज या फिर थोड़ी रनिंग करनी, तो मैं जैसे क्या होता है ना, अगर तुम पूरे टाइम अगर डेस्क पे बैठे रहोगे तो तुम खुद ही उब जाओगे कि क्या चल रहा है, और तुम ऑफन तुम्हारा मतलब एकदम क्या कहते हैं क्लोज अप हो जाओगे सोसाइटी से। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा मतलब बाहर जाओ, लोगों से मिलो, मतलब ये नहीं पूरे दिन ही कर रहे हो, आधा एक घंटे इस चीज को भी निकालो, इससे तुम्हारी लाइफ बैलेंस है और तुम्हें ऑफन तुम्हें फील होगा कि मतलब तुम ज्यादा एनर्जेटिक हो ऐसा करने से। एंड वन ऑफ ऑल की मतलब एवरीथिंग डू इट इन अ बैलेंस वे, इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया डोंट ओवरडू इट, और मतलब ऐसा भी मत करो बिल्कुल ही नहीं चला रहा, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड लाइक एवरीथिंग। राइट। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, जैसे मैंने की थी तैयारी, तो लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने क्या किया था कि हर ऑल्टरनेट डे पे एक पेपर लगाता था, सिर्फ एक पेपर, 3 घंटे बैठ के पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बढ़िया से पेपर लगाया, फिर मैं चेक कर रहा था कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, मुझे कौन कौन से कंसेप्ट को और अच्छे से पढ़ना है,
तो नेक्स्ट डे मेरा मेन काम ये था कि जो मेरी कमियां रह गई पेपर में उनको ठीक करूं। ये 3 महीने तक अगर तुम इतना भी करोगे ना कि तुम 3 महीने में हर अल्टरनेट डे पे एक पेपर लगाओ और उसके नेक्स्ट डे तुम जो तुम्हारा कंसेप्ट जो तुमको लगे कि मेरे वीक रह गए उनको फिर से पढ़ो, रिवाइज करो। अगर ये 3 महीने करते रहोगे तो सिलेक्शन गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता है। ये एक और प्लस पॉइंट है। और एक और चीज में हाँ और एक और चीज मैं करना चाहूंगा, जैसे क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट में ना अलग सब्जेक्ट कह रहा हूँ, हर एक चैप्टर के ना अलग अलग वेटेज होती है। फॉर एग्जांपल तो मैथ्स में अगर वेक्टर्स एंड 3D नाम का चैप्टर वो उठाओगे ना, तो हर साल चार पांच तीन चार सवाल तो आते ही है। और जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर उठा लो, जो फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मुश्किल से मुश्किल एक सवाल आता है, वो भी कंफर्म नहीं होता। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से तुम देख सकते हो कि ये चैप्टर में कितने अच्छे से करना है। और अगर फ्लूइड मैकेनिक्स अगर तुम पढ़ चुके हो फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो लीव दैट चैप्टर की मतलब कि ठीक है, बस ऊपर ऊपर देख लो, ज्यादा दिमाग नहीं मारना। जिसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ उसमें मतलब उस चैप्टर को मैं और अच्छे से करता हूँ। लास्ट में बस मैं ये और बोलूंगा कि अगर किसी को भी और कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट, क्योंकि कई बार क्या होता है ना क्लास में बच्चे डाउट नहीं पूछते हैं कि भाई बीएससी हो जाएगी यार, ये तो बड़ा मेरा वैसा डाउट है, फुद्दू सा डाउट है, ये नहीं पूछूंगा मैं, तो यहाँ पर वो केस नहीं है। तुमको कोई भी कैसा भी डाउट हो कि तैयारी कैसे करनी है या बुक्स का, या अगर तुम्हारी रैंक आ गई है तुम्हें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, या जैसा भी कोई भी डाउट हो तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको भरो, जो भी डाउट है बिंदास पूछो। और हम अगले फ्राइडे को फिर से वीडियो आएगी, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो थर्सडे की रात तक, उसके बाद हम फॉर्म क्लोज कर देंगे, थर्सडे की रात तक जो भी डाउट्स हैं बिंदास गूगल फॉर्म में डालो। ठीक, तो दैट्स फॉर टुडे, थैंक्स।